तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से 25 लोगों की मौत हो गई और 60 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कल्लाकुरिची के जिला कलेक्टर एमएस प्रशांत ने इसकी पुष्टि की। जानकारी सामने आई कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। कल्लाकुरिची के जिला कलेक्टर एमएस प्रशांत ने जिले के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों से मुलाकात की। इस मामले में 49 वर्षीय के कन्नुकट्टी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पास से जब्त की गई करीब 200 लीटर अवैध शराब की जांच में सामने आया कि उसमें घातक मेथनॉल मौजूद था। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मौतों पर दुख जताया और कहा कि इसे रोकने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। स्टालिन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, कल्लाकुरिची में मिलावटी शराब पीने वाले लोगों की मौत की खबर सुनकर मैं स्तब्ध और दुखी हूं। इस मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसे रोकने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा, अगर जनता ऐसे अपराधों में शामिल लोगों के बारे में जानकारी देती है तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। समाज को बर्बाद करने वाले ऐसे अपराधों को सख्ती से दबाया जाएगा। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने भी मौतों पर शोक व्यक्त किया और पीड़ितों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। राज्यपाल की ओर से तमिलनाडु राजभवन ने एक पोस्ट शेयर कर कहा, मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ कि जहरीली शराब पीने से कल्लाकुरिची में कई लोगों की जान चली गई, कई अन्य गंभीर हालत में हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना और अस्पतालों में भर्ती लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना है। राज्यपाल ने राज्य के विभिन्न हिस्सों से जहरीली शराब के सेवन से मौतों की लगातार रिपोर्ट पर चिंता जताई। पोस्ट में उन्होंने आगे कहा कि समय समय पर हमारे राज्य के विभिन्न हिस्सों से जहरीली शराब के सेवन से मौतों की खबरें सामने आती हैं। वह अवैध शराब के उत्पादन और खपत को रोकने में निरंतर कमियों को दर्शाते हैं। ये गंभीर चिंता का विषय है।